हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लिटरेचर क्लासेस बीए पार्ट वन। टुडे आवर टॉपिक इज आर एल स्टीवेंसन एज एन एसिस्ट। ओके, सेकंड पेपर इंग्लिश लिटरेचर प्रोज। ओके, इंग्लिश लिटरेचर प्रोज का ये सेकंड पेपर है और आज का हमारा टॉपिक है आर एल स्टीवेंसन एज एन एसिस्ट। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी शुड स्टार्ट दिस वीडियो ऑन दिस टॉपिक। ओके, रॉबर्ट ल्यूसिस स्टीवेंसन वॉज ए स्कॉटिश नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट एंड पोइट, ए नंबर ऑफ हूज बुक्स हैव बिकम क्लासिक ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर। हिज एसेज आर हाईली अम्यूजिंग एंड इंटरेस्टिंग। दे आर फुल ऑफ ह्यूमर, सटायर, एल्यूजन एंड रेफरेंसेज। ओके, रॉबर्ट ल्यूसिस स्टीवेंसन जो है एक निबंधकार भी हैं और एक कवि भी हैं और एक उपन्यासकार भी हैं। इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं इंग्लिश लिटरेचर में और इनके जो एसेज हैं वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार हैं, बहुत दिलचस्प हैं और इनमें सबसे ज़्यादा ह्यूमर, सैटायर और एल्यूजन और रेफरेंस का इन्होंने प्रयोग किया है। ओके, His work and his life and works. Okay. Some points are following here: his life and works, humor, satire, allusion and references, and conclusion. First chapter: his life and works. Stevenson was born on November 13, 1850 in Edinburgh. He was the son of Thomas Stevenson, who was a lighthouse engineer. Under his father's influence, Stevenson studied engineering. He studied law also, but his interest in literature dominated his studies. Stevenson suffered from a chronic bronchial condition and had to spend much of his life traveling abroad in search of climates which would suit his health. स्टीवेंसन का जन्म हुआ था 13 नवंबर 1850 को एडिनबर्ग में। ओके, और वो थॉमस स्टीवेंसन के बेटे थे, हु वॉज ए लाइट हाउस इंजीनियर, जो कि इंजीनियर थे। ओके, अंडर हिज फादर, अपने फादर से प्रभावित होकर स्टीवेंसन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करी। उसके बाद उन्होंने लॉ की पढ़ाई भी करी, लेकिन उनका इंटरेस्ट जो था लिटरेचर में ही था। स्टीवेंसन सफर फ्रॉम ए क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कंडीशन, हैड टू स्पेंड मच ऑफ हिज लाइफ ट्रैवलिंग एब्रॉड। एब्रॉड भी उन्होंने यात्राएं करी, लेकिन वहाँ की जो क्लाइमेट्स थी, इन सर्च ऑफ, क्यों इसलिए उन्होंने यात्राएं करी, क्योंकि वो ढूंढ रहे थे, कैसे ढूंढ रहे थे क्लाइमेट्स को, कैसी क्लाइमेट्स जो उनकी हेल्थ को शूट करें। ओके, मतलब इस तरह के क्लाइमेट में रहना चाहते थे जो उनकी हेल्थ से रिलेटेड हो, जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छी रहे। ओके, हिज अर्लीस्ट वर्क आर डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस जर्नी। उनके कुछ अर्लीस्ट वर्क भी थे उनकी जर्नी में, जैसे एन इनलैंड वेस 1878, ट्रेवल्स विद ए डंकी इन द थर्मस 1879। ओके, ही सेटल्ड विद हिज वाइफ टू रिस्टोर हिज हेल्थ। ही डाइड देयर ऑन December 3, 1894। उसके बाद इन 1888 में हिज ट्रेवल एंडेड इन ए सैमोआ। सैमोआ में इनकी ट्रेवल जो है वो एंड हो गई। एंड ही सेटल्ड विद हिज वाइफ टू रिस्टोर हिज हेल्थ, वहाँ पर ही अपनी वाइफ के साथ सेटल हो गए और इनकी डेथ 3 दिसंबर 1894 को हो गई। ओके, ट्रेजर आइसलैंड 1883, ये इनका वर्क है। एंड द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकल एंड मिस्टर हेडे 1886 एंड किडनैप 1886। ओके, फैमिलियर स्टडी ऑफ मैन एंड बुक्स 1882 एंड मेमोरियल्स एंड पोर्ट्रेट्स 1887 आर हिज मोस्ट पॉपुलर वर्क्स। ओके, ह्यूमर, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमर।
स्टीवेंशंस ऐसे आर फुल ऑफ ह्यूमर, स्टीवेंशन के जितने भी ऐसे हैं उसमें हम बहुत ज़्यादा ह्यूमर का प्रयोग करते हुए देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम आइडियल पीपल रिमेन इंडिफरेंट टू फिजिकल अचीवमेंट्स पास ए हैप्पी लाइफ। देखिए अधिकतर जो लोग खाली होते हैं ना वही अपने जीवन को खुशी के साथ बिता सकते हैं। स्टीवेंशन रेफर्स टू रोम आफ्टर द बैटल्स ऑफ आलिया इन 390 BC व्हेन द गॉल्स डिस्ट्रॉय द एम्पायर दे थॉट इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट बट द सीनेटर्स ऑफ रोम रिमेन इंडिफरेंट टू इट एंड डिड नॉट वेलकम द बार्बरिक कॉल्स इट बिकेम ए हाईली डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन टू दोज वॉरियर्स हु हैड स्वेटेड ब्लड इन द बैटल। दस अकॉर्डिंग टू द एसेस्ड एक्टिव पीपल सफर इन डिसअपॉइंटमेंट इन द हैंड ऑफ दोज हु आर पैसिव एंड आइडियल। ओके नेक्स्ट पॉइंट है आपका सटायर। स्टीवेंशन पासेस सटायर ऑन ए लेवरिशियस पीपल ही डज फाइंड एनी रिवलेंस ऑफ टॉकिंग टू मच ऑफ वर्क और ड्यूटी फॉर नो मैन और हिज वर्क इज इनविटेबल। इफ ए मैन राइट्स समथिंग इट इज इम्पॉर्टेंट टू हिम एंड नॉट टू अदर फॉर इट ही हैड नॉट रिटन दोज थिंग समवन एल्स माइट हैव परफॉर्म दैट टास्क इन द वर्ल्ड रैंक्स नेवर रिमेन एम्प्टी फॉर एनीबडी। द केस ऑफ जॉन ऑफ आर्क ऑफ फ्रांस इज वेरी इंटरेस्टिंग। शी वॉन्टेड टू लीड द फ्रेंच आर्मी अगेंस्ट द इंग्लिश व्हेन शी वॉज आस्क्ड टू गो बैक हर होम फॉर डोमेस्टिक ड्यूटीज शी रिप्लाइड दैट थाउजेंड ऑफ गर्ल्स आर डूइंग दैट देयरफॉर इट इज टू वाइज टू अंडरस्टैंड दैट नो मैन और हिज लेबर इज नेसेसरी। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका एलिजन एंड रेफरेंसेस। ओके स्टीवेंशन मेक्स फ्रिक्वेंट यूज ऑफ एलिजन एंड रेफरेंसेस। स्टीवेंशन ने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है फ्रिक्वेंटली तौर पर अगर आप देख सकते हैं तो एलिजन और रेफरेंस का इन्होंने प्रयोग करा है अपने एसेज ने। एंड ही रेफर्स टू रोमन हिस्ट्री इन द फॉलोइंग लाइन्स और यहाँ पर वो रेफर्स देते हैं रोमन हिस्ट्री का फॉलोइंग लाइन्स में। व्हेन वाज़ द ग्लोरी ऑफ हैविंग टेकन रोम फॉर दोज Humiliatious barbarians who poured into the Senate house and found the father sitting silent and unmoved by their success. In the following lines, he refers to French history by mentioning the name of John of Arc. When they told John of Arc she should be a at home minding women's work, she answered there were plenty to spin and wash. He refers to Shakespeare.
he refers to Tennyson's poem Lady of Shalott. Also, while passing satire on those who remain busy in reading books, according to Stevenson, it is very tiring to remain reading for a long time. They are worth enjoying, but only for short time, otherwise they look like burdensome. They can never be substitute for a funny company of friends. A bookworm is a cursed creature like the Lady of Shalott in Tennyson's poem. She was not allowed to see the world directly. Okay? Therefore, she used to amuse her by seeing reflections in a mirror. After a short while, she too grew feet up of shadow and preferred death to such a wretched life. Stevenson points, conclusion, last topic hai hamara, conclusion. Stevenson points that joys of real life are numberless. कि हमारी लाइफ के जो वास्तविक जीवन के जितने भी जॉयज हैं वो सारे नंबरलेस हैं. ओके, दीज जॉय शुड नेवर बी इग्नोर्ड फॉर वर्थलेस बिजनेस. ओके, एंड स्टीवेंसन मेक्स फ्रीक्वेंट यूज ऑफ एल्यूजन एंड रेफरेंसेस. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल. थैंक यू सो मच.